कर दो स्टार्ट। गुड इवनिंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू श्री करणी एकेडमी एंड एजुकेट। माई सेल्फ मोनिका शर्मा, योर इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब? चलिए, अपन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चला रहे हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में अपन ने क्या क्या कर लिया है? नाउन कर लिया है, वर्ब कर लिया है, प्रोनाउन कर लिया है, एडजेक्टिव किया है, एडवर्ब किया, कंजक्शंस किए, और आज अपनी टर्न है प्रीपोजिशन की। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट वीडियो, सेकंड नाउन का, थर्ड वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, आज बारी है प्रीपोजिशंस की। ठीक है, इसमें भी कुछ वीडियोस सब पार्ट में थे, जैसे कंजक्शन था, प्रोनाउन दो पार्ट में था, तो इस तरह से उनके पार्ट्स भी थे, तो वो प्रॉपर नहीं गिन रही हूँ। मैं सिर्फ टॉपिक वाइज चल रही हूँ कि अपन ने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज को स्टार्ट किया है, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज को आप नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, और आज टर्न है प्रीपोजिशन की। अब जो कोई ऐसा बच्चा जिसने ये आगे वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं देखी है, तो अगर आप करणी एकेडमी एजुकेशन को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको आगे वाले मेरे सारे वीडियोस भी शो कर जाएंगे, और उसके साथ में जो है आपको इसको सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्रिप्शन के बाद में आपको सारे वीडियोस पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी सीरीज से आपको शो करेंगे। तो आज अपन प्रीपोजिशन से स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन जैसे कि अपन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच किया, तो उसमें अपन ने प्रीपोजिशंस की को पढ़ा के प्रीपोजिशंस क्या होते हैं, और अब अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। टाइप्स प्रीपोजिशन कितने तरह के होते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन एंड अदर इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन। तीन तरह के होते हैं। एक तो प्रीपोजिशन ऑफ, चार तरह के, ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ऑफ पोजिशन एंड ऑफ अदर इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट प्रीपोजिशन जो है वो अपन स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑन। बहुत टाइम से आप ऐसे प्रीपोजिशंस पर सेंटेंस बनाते हो, मतलब जब अपन क्लास सेकंड या थर्ड में होते हैं तब से अपने सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, बनता है, सुना हुआ है ना? द कैट इज ऑन द मैट, सुना हुआ है ना? तो इस तरह के सेंटेंसेस अपन क्लास सेकंड थर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, जो अपने को रीडिंग प्रैक्टिस भी देते हैं और प्रीपोजिशंस की नॉलेज भी देते हैं। पर उस समय अपने को आइडिया नहीं होता कि ऑन, एट, अंडर, ये सब क्या है, ये नहीं पता होता इतना। बस ये पता है कि बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, बिल्ली जो है वो मैट पर बैठी है, तो उसमें जब ऊपर होता है तो अपन ऑन लगाते हैं, इतना ही पता होता है कि जब ऊपर होगा तो ऑन लगाएंगे। लेकिन अब जैसे जैसे अपनी क्लासेस बढ़ती है तो उस चीज़ का स्टैंडर्ड भी बढ़ता है, लेवल भी बढ़ता है, अपन थोड़े डिटेल में जाते हैं। तो जब अपन इन चीज़ों को डिटेल में जाते हैं तो कॉम्पिटिटिव लेवल तक भी ये जो टॉपिक्स हैं ये अपने यूज़ आते हैं। तो अब ऑन का प्रॉपर यूज़, मतलब कि ऑन, ये जो द बुक इज़ ऑन द टेबल, द कैट इज़ ऑन द मैट, ये है तो प्रीपोजिशंस, लेकिन सिर्फ इतना ही है कि बुक जो है वो टेबल पर रखी हुई है, कैट मैट जो है वो मैट पर बैठी है। लेकिन जो प्रॉपर यूज़ है डेट और डेज का, वो कैसे रहेगा? I will submit my project on Monday. He will go to Pune on 23rd October. Should I come on evening? Your interview is on Sunday, Saturday evening. ठीक है कि अब इन्होंने क्या क्या एग्जाम्पल दिए डेट और डेज के। डेट जैसे कि 23rd October, ये डेट का एग्जाम्पल हो गया जिसमें मैंने ऑन लगाया है। ऑन इवनिंग, ये डे में, ये भी डेट
उस समय को निर्धारित कर रहा है. सैटरडे इवनिंग ये डे को निर्धारित कर रहा है. मंडे ये डे को निर्धारित कर रहा है कि मैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो मंडे को जमा कराऊंगा. तो ऑन को यूज किया. वो पूना 23 अक्टूबर को जाएगा तो मैंने ऑन को यूज किया. शुड आई कम ऑन इवनिंग, मैं इवनिंग में आऊं तो मैंने ऑन को यूज किया. योर इंटरव्यू इज ऑन सैटरडे इवनिंग तो मैंने ऑन को यूज किया. क्लियर? क्लियर हुआ कि ऑन को कैसे यूज किया जाता है? ऑन को जो है वो डेज और डेट में यूज करते हैं. जैसे अब इसमें देखो, इसमें कहीं पर भी डेट और डे नहीं है, है क्या? नहीं है. बट फिर भी आप इससे सीखते हैं कि ऑन का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है. लेकिन अब जैसे जैसे अपन बड़े हुए, इसका स्टैंडर्ड बढ़ा, तो इस स्टैंडर्ड को प्रॉपर तरीके से, भाई बड़े बच्चे की तरह अपन पढ़ रहे हैं, तो बड़े बच्चे की तरह कैसे पढ़ेंगे कि डे और डेट. तो आई विल सबमिट माई प्रोजेक्ट ऑन मंडे. He will go to Pune on 23rd October. Should I came on evening? Your interview is on Saturday evening. Clear हो गया? और भी example ले सकते हैं. He will go to Jaipur on Tuesday. ठीक है? तो ये इसका example हो गया. या your interview is on 23rd October. अभी देखो मैंने इस तरह से घुमाकर भी ले लिया है, जैसे कि आपको क्लियर हो जाए कि on को कैसे यूज किया जाता है. क्लियर? on के बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं at पर. at को कैसे यूज करेंगे? at कहाँ यूज होगा? For certain point of time, for evening, night and weekend, certain point के लिए. जैसे कि fix है कि he will came at 6 o'clock, वो 6 बजे आएगा. ठीक है? I woke up at early morning, let's meet at weekend. ठीक है? Let's meet at weekend, यहाँ at आएगा. तो He will come at 6 o'clock. वो कितने बजे आएगा? 6 बजे आएगा. I woke up at early in the morning. मैं सुबह उठ जाता हूँ जल्दी. Let's meet at weekend. तो ये क्या है? Certain point of time मतलब कि एक fixed time है हमारा, कि एक fixed time है. और उस fixed time के लिए जब अपन जो preposition use करेंगे वो कौन सी preposition होगी? At. ठीक है? He will come at 7 o'clock. आप इसमें टाइम भी कर सकते हैं. आई वोक अप एट 5 o'clock इन मॉर्निंग. ठीक है? ये एक सेंटेंस हो गया. लेट्स मीट एट वीकेंड. तो लेट्स मीट एट 6 o'clock. ही विल कम एट वीकेंड. क्लियर? तो इस तरह से एट को यूज किया जाता है जहां पे फिक्स टाइम हो. सर्टेन टाइम मतलब कि हाँ, ये इससे ज्यादा अपने को वेट नहीं करना पड़ेगा, दैट इज द टाइम. तो अपन क्या यूज कर रहे हैं? एट यूज कर रहे हैं. और ऑन को कहाँ यूज कर रहे हैं? जहाँ डेज और डेट होती है. जहाँ डेज और डेट होती है, देखिए कन्फ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी. डेज और डेट, दैट इज शुड आई केम ऑन इवनिंग, दैट इज ऑन. देखिए ये अब मैंने लिखा शुड आई केम ऑन इवनिंग. तो अब इवनिंग में टाइम क्या है वो तो पता नहीं है ना. इवनिंग तो कब? 4 बजे से इवनिंग हो जाती है ना. तो अब वो इवनिंग कितने बजे तक चलती है? 7 बजे तक. तो क्या आप उसमें कौन सा टाइम है आपको पता है क्या? तो मैंने यहाँ पे ऑन डाला. लेकिन जब मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया अर्ली मॉर्निंग, तो अपने को पता है अर्ली मॉर्निंग 5. ही विल कम एट 6 o'clock. टाइम पता है 6 बजे का टाइम है. तो दैट मीन्स कि एट लगा. तो जहाँ पर सर्टेन चीज हुई वहाँ पर एट लगा, जहां डे और डेट की बात हुई वहां पर ऑन लगा.
अब आते हैं टिल अंटिल पर. टिल अंटिल क्या होते हैं? टू से हाउ लॉन्ग अ सिचुएशन कंटिन्यू, के वो सिचुएशन कितनी लंबी चलेगी. आई स्टडी टिल 5 AM, मैंने 5 बजे तक पढ़ाई की. डिफरेंस देखना, मैंने 5 बजे तक पढ़ाई की. आई स्टडी अंटिल 5 AM. तो अब ये टिल और अंटिल में क्या फर्क हुआ? मैं 5 बजे तक पढ़ा. I will stay at home from Monday till to Wednesday. My father come back home and read. अब यहाँ पे till नहीं लगेगा. Till या to में क्या लगेगा? I will stay at home from Monday to Wednesday. तो till कैसे लगेगा? Till तो possible ही नहीं है, तो till नहीं लग सकता, है ना? Until my father come home, I read a book. जब तक मेरे पिताजी नहीं आए, जब तक मेरे पिताजी नहीं आए, मैंने पढ़ा, मैंने किताब पढ़ी या मैंने पढ़ा, ठीक है? तो दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस टिल और अनटिल. टिल क्या हुआ? जब के, दैट इज आई स्टडी टिल 5 AM, दैट इज टिल. और अनटिल जब तक के लिए अनटिल हुआ. क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क इन द चैट बॉक्स. अब आता है ड्यूरिंग. ड्यूरिंग का क्या मीनिंग रहता है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन, कि जो भी पीरियड चल रहा है टाइम और ड्यूरेशन का उसके लिए. मतलब जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है तो दैट इज द टाइम, ठीक है? तो ड्यूरिंग द समर वेकेशन आई कंप्लीटेड कंप्यूटर कोर्स, कि समर वेकेशंस के दौरान. ड्यूरिंग क्या हो गया? दौरान, ठीक है? तो समर वेकेशंस के दौरान मैंने कंप्यूटर कोर्स किया. आई मीट हर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, कि मैं मेरी प्रेजेंटेशन के दौरान उनसे मिला, ठीक है? तो ड्यूरिंग कब यूज हो रहा है? दौरान. द पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन, कि ड्यूरिंग द समर वेकेशन आई कंप्लीटेड कंप्यूटर कोर्स. समर वेकेशन में मैंने मेरा कंप्यूटर कोर्स पूरा किया. आई मीट हर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, और मैं इस उनसे प्रेजेंटेशन के दौरान मिला. बाय. अब आता है बाय. बाय को कैसे यूज करेंगे? फ्रॉम द लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, जो अपनी लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है उसके लिए. शी विल बी देयर बाय 11 o'clock. कब तक थी? कब तक? वो वहां पर 11 बजे तक थी. आई विल सबमिट द प्रेजेंटेशन बाय 6 o'clock. मुझे 6 बजे तक अपना प्रेजेंटेशन जमा कराना है. तो दैट इज वॉट, दैट इज बाय, ठीक है? फॉर लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम शी विल बी देयर बाय 11 o'clock, और आई विल सबमिट यू अ प्रेजेंटेशन बाय 6 o'clock. तो दैट इज बाय. तो क्या यूज कर रहे हैं अपन? बाय का यूज कर रहे हैं. नाउ लास्ट फॉर सिंस एंड फॉर. सिंस एंड फॉर को कैसे यूज करेंगे? सिंस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और फॉर ओवर पीरियड ऑफ टाइम. कैसे? शी विल बी स्टडी फॉर 3 hours. वो 3 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है? परफेक्ट टेंस. और शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 o'clock. तो अब देखिए ये डिफरेंस समझ में आया, कि फॉर मैंने क्यों यूज़ किया? सी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. और यहाँ पे मैंने सिंस क्यों यूज़ किया? सिंस क्या है? सर्टेन पीरियड. सर्टेन पीरियड मतलब शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 hours. 3 घंटे से पढ़ रहा है, तो मतलब कि क्या, उसने 6 बजे से पढ़ना शुरू किया तो वो 9 बजे तक पढ़ा, इस तरह से समझेंगे. शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock. वो 3 बजे से पढ़ रहा है.
अब वो 3 घंटे से पढ़ रहा है, तो आपको टाइम पता है क्या कि वो 3 घंटा सर्टेन पीरियड कि वो 3 घंटे से पढ़ रहा है, 3 घंटे से पढ़ रहा है, दैट इज सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कि वो 3 घंटा पढ़ा, 6 बजे पढ़ने बैठा, 9 बजे उठ गया, और शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock, वो 3 बजे से पढ़ रहा है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड सिंस. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 आवर्स. अब फॉर देखो कि मैं उसका यहाँ पे 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ. आपको पता है क्या कि वो यहाँ पर कितने बजे आया, वो तो आप घड़ी देखकर अंदाज़ा लगाओगे कि भाई अभी 5 बज रहे हैं, तो दैट मीन्स ये बंदा यहाँ पे 3 बजे आया होगा, है ना, ऐसे ही अंदाज़ा लगाओगे. ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2014. अब वो अपने को पता है भाई 2014 से यहाँ काम कर रहा है और अभी 2020 चल रहा है, तो इसको यहाँ पे काम करते हुए कितने साल हो गए, उसी समय अंदाज़ा लगा लेंगे अपन. लेकिन इसके लिए आप अंदाज़ा एकदम से नहीं लगा पाएंगे, तो ये डिफरेंस होता है फॉर और सिंस के अंदर, ठीक है, ये डिफरेंस होता है फॉर और सिंस में. एक बार वापस अपन इसको रिवाइज करेंगे. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम अपन ने डिस्कस किया, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन डिस्कस किया, प्रीपोजिशन ऑफ पोजिशन और दूसरे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन डिस्कस किए. टाइम में देखिए डे डेट ये डिस्कस किया अपन ने, डायरेक्शन जो निर्देश दे रहे हैं, पोजीशन कहाँ पर है पर्टिकुलर जो जगह है उसके लिए, और अदर इम्पोर्टेंट में अपन ने टिल और वो डिस्कस किया. सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया ऑन. ऑन ऑन मीन्स जैसे मैंने आपको पहले पुराना एग्जांपल दिया उसे कंसीडर नहीं करके मैं आपको बता रही हूँ कि डे और डेट के लिए ऑन को यूज़ किया जाता है. आई विल सबमिट माई प्रोजेक्ट ऑन मंडे, तो ये डेट डे हो गया. और ही विल गो टू पूना ऑन 23rd October, तो ये डेट हो गई. क्लियर, ऑन को डे और डेट में मैंने यूज़ किया कि ही विल सबमिट माई प्रोजेक्ट ऑन मंडे, तो दैट इज डे. और ही विल गो टू पूना ऑन 23rd October, दैट इज डेट. क्लियर, कि इस तरह से ऑन को डे और डेट में यूज़ किया जाता है. क्लियर हो गया. अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है एट. एट जो है फॉर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम या जो फिक्स टाइम होता है उसके लिए अपन एट को यूज़ करते हैं. फॉर मॉर्निंग इवनिंग नाइट एंड वीकेंड, ये सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम है. ही विल कम एट 6 o'clock, वो यहाँ पर 6 बजे आया, तो दैट इज़ फिक्स्ड सर्टेन टाइम. अपने को पता है कि भाई वो मॉर्निंग में आया कि इवनिंग में आया कि नाइट में आया कि वीकेंड में आया, तो वो वहाँ पर 6 बजे आया, दैट इज़ फिक्स्ड टाइम, तो अपन ने एट यूज़ किया. आई वोक अप एट अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैंने एट यूज़ किया. लेट्स मीट एट वीकेंड, तो मैंने एट यूज़ किया, तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ एट. उसके बाद आए अपन टिल अनटिल पर. टिल अनटिल को कैसे यूज़ करेंगे, टू से हाउ लॉन्ग अ सिचुएशन कंटिन्यू, कि किस तरह से वो सिचुएशन जो है वो कंटिन्यू कर रही है, कि कैसे कंटिन्यू कर रही है. आई स्टडी टिल 5 AM, मैंने 5 बजे तक पढ़ाई की. आई स्टडी अनटिल 5 AM, मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ. आई विल स्टे एट होम ऑन मंडे टिल वेनसडे, तो ये गलत मैंने कंसिडर किया. टिल माई फादर हैज़ कम होम आई रीड, तब मेरे पिताजी नहीं आए जब तक मैंने पढ़ा, ठीक है. अब आया ड्यूरिंग. ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, दौरान, ठीक है. फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन, एक पर्टिकुलर टाइम और ड्यूरेशन के लिए आप ड्यूरिंग यूज़ कर रहे हैं. ड्यूरिंग द समर वेकेशन आई कंप्लीटेड कंप्यूटर कोर्स, के उस दौरान समर वेकेशंस के दौरान मैंने मेरा कंप्यूटर कोर्स पूरा किया. आई मीट हर ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, मैं उनसे प्रेजेंटेशन के दौरान मिला, ठीक है. ड्यूरिंग ट्रेनिंग, इसको ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं. आई मीट हिम, तो यहाँ पे मैंने ड्यूरिंग का यूज़ किया, ठीक है. या ड्यूरिंग विंटर ब्रेक आई कंप्लीटेड माई स्पोकन
इंग्लिश कोर्स, ठीक है, कि जब विंटर ब्रेक थे तो मैंने अपना स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट किया और मैं उसे ट्रेनिंग के दौरान मिला, तो दैट इज ड्यूरिंग मतलब दौरान। फिर अपन ने किया बाय, बाय को अपन फॉर द लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम कब तक के लिए यूज करेंगे, शी विल बी देयर बाय 11 o'clock, वो वहां पर कब तक थी, 11 बजे तक थी, तो लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के इसके बाद में वो वहां पर नहीं थी या इसके बाद में उसके बारे में बात नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो वहां से चली गई है, या उसके बाद में अगर उसका काम निपट गया है तो उसके बारे में उस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, तो अपन बाय यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट में शी विल बी देयर बाय 11 o'clock, वो वहां पर 11 बजे तक थी। आई विल सबमिट यू द प्रेजेंटेशन बाय 6 o'clock, मैं तुम्हें 6 बजे से पहले पहले प्रेजेंटेशन दे दूंगा, तो उसकी प्रेजेंटेशन सबमिट होगी, उसके बारे में डिस्कस नहीं होगा ना, तो दैट इज द बाय कब तक, शी विल बी देयर, ठीक है, तो अब 11 बजे तक वहां पर थी, उसके बाद वो कहाँ गई, दैट इज नॉट श्योर, आपको नहीं पता है। तो आप जो लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम जब बताएंगे कि आपने उसको कब देखा, कि भाई मैंने उसको 11 बजे तक देखा, तो जो ये लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम होगा, दैट लास्ट लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अपन बाय को यूज करेंगे। फिर है सिंस और फॉर। अब सिंस और फॉर को कैसे यूज करेंगे, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक जो सर्टेन पीरियड होता है टाइम का, उसके लिए आप सिंस और फॉर को यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंस को कैसे यूज किया, देखिए मैंने, शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, कि वो 3 घंटे से पढ़ रही है, तो शी हैज बीन स्टडी सिंस 3 o'clock, तो शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से पढ़ रही है, तो क्या आपको पता है कि क्या टाइम चल रहा है, अभी क्या है, वो कितने बजे पढ़ने बैठी, उसने एक अंदाजा दिया कि मैं 3 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो वो कितने बजे पढ़ने बैठी, ये तो आपको नहीं पता है ना, तो आपने किसका यूज किया, फॉर का, मतलब कि जब ओवर सर्टेन पीरियड हो जाता है, जब आपका ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है, तो आप किसको यूज कर रहे हैं, फॉर को। फिर है शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock, वो 3 बजे से पढ़ रही है, कब से पढ़ रही है, वो 3 बजे से पढ़ रही है, तो जब वो 3 बजे से पढ़ रही है, दैट मीन्स कि टाइम की श्योरिटी है कि वो कितने बजे से पढ़ रही है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम से पढ़ रही है, तो इस श्योरिटी के साथ में उसका टाइम वहाँ पर कंप्लीट होता है, तो अपन ने इस सेंटेंस को यहाँ कंप्लीट किया। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 डेज, मैं उसके लिए 2 दिन से वेट कर रहा हूँ, तो मैंने फोर यूज़ किया, अब 2 दिन कब से हमें नहीं पता ना, नहीं पता, तो आपने फोर यूज़ किया। ही हैज़ बीन वर्किंग हर सिंस 2014, वो 2014 से यहाँ से काम कर रहा है, तो दैट इज श्योर, क्या वो 2014 में यहाँ था, तो 2020 अभी चल रहा है, तो अभी क्या टाइम ड्यूरेशन है, दैट इज फॉर सिंस एंड फॉर, क्लियर। तो अपना प्रीपोजिशन का एक सेक्शन जो है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। नाउन हो गया, क्लियर हो गया है, प्रोनाउन क्लियर हो गया, वर्ब क्लियर हो गया, कंजक्शंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब एंड नाउ प्रीपोजिशंस। आज अपन ने प्रीपोजिशंस का पार्ट 1 किया है, पार्ट 1 के बाद में कल अपन प्रीपोजिशंस पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अपन फर्दर जो और कोई प्रिपोजिशंस बचती हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप जो हैं इसे अच्छे से देखें इस स्लाइड को, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में प्लीज़ पूछें वापस। करनी एकेडमी इज़ ऑलवेज हियर टू हेल्प द स्टूडेंट्स, और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना हो सके उतना ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड मोनिका शर्मा, थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।